हरियाणा न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुसीबत बढ़ सकती है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समालखा से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान कहा कि वो 2 अक्टूबर तक खुद ही सरेंडर करते, नहीं तो पुलिस उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे। बता दें कि करीब 14 महीने पहले ईडी ने छोकर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी के मुताबिक छोकर से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का विवाद गुरुग्राम पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर के बाद शुरू हुआ। गुरुग्राम पुलिस ने साई आईना फर्म्स प्राइवेट लिमिटेड को धोखाधड़ी का आरोपी बनाया था। इस केस में कहा गया था कि इस फर्म ने 1497 लोगों से घर के बदले 360 करोड़ रुपए ले लिए थे। इन लोगों को दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम के सेक्टर 68 में घर बनाकर देने का भरोसा दिया गया, हालांकि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो वही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने घर खरीदारों के पैसों की धोखाधड़ी में 5 महीने पहले धर्म सिंह के बेटे को गिरफ्तार किया था, जो अभी तक जेल में है। धर्म सिंह छोकर उनके बेटे सिकंदर सिंह और विकास छोकर माहिरा रियल इस्टेट समूह के मालिक और प्रमोटर है। 2 दिन पहले धर्म सिंह छोकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तार न होने पर हाई कोर्ट ने चिंता जताई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं फिर भी उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार, ईडी और छोकर को नोटिस जारी किया था। बता दें कि इस मामले को लेकर वरिंदर सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में बताया गया कि एफआईआर और ईडी द्वारा छोकर के खिलाफ दर्ज शिकायत में गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद ना तो पुलिस और ना ही ईडी उन्हें गिरफ्तार कर रही है। गैर जमानती वारंट जारी होने पर छोकर ने नामांकन भरा है, खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि हैरत की बात है कि जिसे पुलिस और ईडी ढूंढ रही है वो कैसे खुलेआम प्रचार कर रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस की बढ़ती मुश्किलें का वो कैसे सामना करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए केसरिया न्यूज़।